मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। आठ साल से इनको अब आया ध्यान में करने के लिए। आज का देखिए ना, आठ साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने, कौन आता सर? कोई नहीं आता। आपको नहीं दिखाई सर, मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आ पाए हो? मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। दोस्तों नमस्कार, आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। भाजपा के बदजुबान एमपी सांसद प्रवेश वर्मा, जो दिल्ली से सांसद हैं, वो आज जबरदस्त चर्चा में। पहले वो अधिकारी से एक बदतमीजी कर रहे थे, उसका वीडियो सामने आया जिसमें वो तू तड़ाक से बात करते कह रहे थे तेरे सर पे केमिकल डाल दूंगा, पता नहीं बीजेपी उस पर कब एक्शन लेगी। दिल्ली पुलिस के अधिकारी को धमकाने के लिए, इस पर जानलेवा हमला करने के लिए कोई एक्शन लेगी पता नहीं। लेकिन एक और वीडियो आया जो प्रवेश वर्मा को भागते हुए दिखा, यमुना में दिख रहे जहरीले झाग को हटाने के लिए रसायन का छिड़काव किया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा, बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा और उल्टे सीधे बयान देता है, वो सब मौके पर पहुंच गए और अधिकारियों को फटकार लगा दी कि भैया यमुना क्यों साफ कर रहे हो, गंदी रहेगी यमुना तो हमारा मुद्दा रहेगा इलेक्शन में, जो एमसीडी के आ रहे हैं चुनाव दिल्ली में। बीजेपी सांसद ने अधिकारियों से बदसलूकी की, गालियां दी। इस बीच स्थानीय लोग वहां पहुंच गए और प्रवेश वर्मा सहित वहां मौजूद तमाम नेताओं को, चिंटुओं मिंटुओं को खूब खरी खोटी सुनाई, कहा आज आए और सफाई करने इलेक्शन के वक्त। एक युवक की बातें सुनकर बीजेपी नेताओं की बोलती बंद हो गई, जवाब देते नहीं बना। आप विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन सौरभ भारद्वाज ने इसका वीडियो शेयर किया है। देखिए कैसे वो युवा इस भारतीय जनता पार्टी के सांसद को खरी खोटी सुना रखे, तुम आते कहां हो, हम लोग रोज सफाई करने आते हैं, अधिकारी आते हैं और तुम आके यहाँ नेतागिरी कर रहे हो। देखो पूरे कल से बंदा यहाँ पे खड़ा है, मैं कल से यहाँ पे देख रहा हूँ। मैं आता हूँ यमुना जी की सफाई करने हर शनिवार संडे, अकेला आता हूँ, मेरी टीम है। आठ साल से इनको अब आया ध्यान में करने के लिए। आज का देखिए ना, आठ साल पहले क्या हो रहा था वो मत देखिए। आज जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता आते ना यहाँ पे साफ सफाई करने, कौन आता सर? कोई नहीं आता। आपको नहीं दिखाई सर, मैं यहाँ रोज रहता हूँ, मैं आया हूँ, खुद आया हूँ अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। आज आ पाए हो? मैं आया हूँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में। सर एवरी सैटरडे संडे आते हैं, आपको वीडियो भी दिखा सकते हैं। अच्छा तो आप चाहते हैं कि ऐसे ये ठीक चले? नहीं नहीं, हम चाहते हैं और बेहतर। तुम चाहते हो ठीक चले? हम चाहते हैं कि यमुना जी साफ हो जाए, कोई भी करे, कोई भी पार्टी करे। हमें प्राकृतिक स्वच्छ चाहिए, हमें ये नहीं कि हम इस पार्टी से केमिकल और क्या मिलाने से स्वच्छ हो जाएगा। कौन सा केमिकल आपको पता है? आप पता है कौन सा इससे जाग खत्म हो गया? लेकिन ये कौन सा केमिकल आप बताओ, चैनलों पे नहीं आ रहे? आप बताओ कौन सा केमिकल है, न्यूज चैनलों पे नहीं आ रहा है? आप बता दो ना कौन सा है, आपको पता है कौन सा केमिकल है? से आया हो सर्टिफाइड क्योंकि आप कुछ भी बोले जा रहे हो। भैया पहले ना पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर पोस्ट है, क्या करके आया? नेता नहीं बन के काम चलता है, अधिकारी जो है बंदा यहाँ पे प्लांट पता ही है। तुम क्या कर रहे हो सर, हमें क्या बात कर रहे हो? हमें पता है कि हम जो बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं। आप दे जो तुम बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, मैसेज आना शनिवार को आप हमसे पूछ भी नहीं सकते हो जाते हो ना, हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमसे उल्टे मैं बताऊंगा, पूछो ना। तो दोस्तों आम आदमी पार्टी के विधायक ने एक और वीडियो, सौरभ भारद्वाज ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें कुछ स्थानीय लोग अधिकारियों का पक्ष ले रहे हैं, बीजेपी नेताओं को खरी खोटी सुना रहे हैं। वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं यहाँ रोज आता हूँ, अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, नेता काम नहीं करता है, तुम लोग कहाँ थे अभी तक? वो साथ में आए एक चिंटू मिंटू से भी प्रवेश वर्मा के पूछते हैं कि कौन सा केमिकल है, बताओ ना कौन सा केमिकल है जो ये मिलाया जा रहा है। मतलब केमिकल यमुना को साफ करने के लिए मिलाया जा रहा था और प्रवेश वर्मा कह रहे थे कि जहर बनाने के लिए, जहरीला पानी बनाने के लिए आप कर रहे हैं। किस तरीके का इल्जाम है, कैसी गंदी राजनीति है, पानी साफ करने को लेकर गंदी राजनीति। इसलिए कि छठ पर्व आ गया, लोग यमुना में नहाएंगे, केमिकल से साफ करना था उस यमुना को, झाग आग जो जहरीले हैं, और वहां पहुंच गए लोग लेकिन केमिकल का नाम नहीं बता पाए चिंटू मिंटू भी। केमिकल और क्या मिलाने से स्वच्छ हो जाएगा? कौन सा केमिकल आपको पता है? आप पता है कौन सा इससे जाग खत्म हो गया? लेकिन ये कौन सा केमिकल आप बताओ, चैनलों पे नहीं आ रहे? आप बताओ कौन सा केमिकल है, न्यूज चैनलों पे नहीं आ रहा है? केमिकल आप बता दो ना कौन सा है, आपको पता है कौन सा केमिकल से आया हो सर्टिफाइड क्योंकि आप कुछ भी बोले जा रहे हो। भैया पहले ना पहले समझो, अधिकारी एक बंदा है, इतना ऊपर पोस्ट है, क्या करके आया? नेता नहीं बन के काम चलता है। दोस्तों आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज ने लिखा है कि स्थानीय पूर्वांचली लोगों ने भाजपा नेता सा जो है प्रवेश साहिब सिंह और तेजेंद्र बग्गा को खरी खरी सुनाई और भगा दिया। पूर्वांचली भाइयों ने कहा कि भाजपा खुद कुछ काम करती नहीं है और दिल्ली सरकार के अफसरों को धमका रही है। मेरे दोस्तों प्रवेश वर्मा जैसे बदतमीज सांसद को बीजेपी जब तक धोएगी तब तक खुद
उसी की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, या तो प्रवेश वर्मा की नकेल कसी जाए जिनकी वजह से भाजपा को सुप्रीम कोर्ट से भी बात सुननी पड़ी है, और या फिर ऐसे लोगों का इलाज जनता ही बहुत जल्दी करेगी, है ना। जय हिंद।